और अब आगे बढ़ते हैं, देहरादून की बात करते हैं। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सहकारी समिति में 33% महिला आरक्षण। महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है बीजेपी ने। प्रदेश सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। कल हुई बैठक में 12 प्रस्ताव पास हुए हैं जिसमें ये फैसला भी दिया गया है। धामी कैबिनेट का ये सबसे बड़ा फैसला। और ये बता दें आपको, अब सहकारी समिति में 33% महिला आरक्षण होगा और महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य जो है वो देहरादून बन गया है। तो कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया जिसको लेकर खुशी जो है वो जताई गई है। देहरादून से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं को लेकर जहां पर 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है सहकारी समिति में, और महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य जो है वो देहरादून उत्तराखंड जो है वो बन चुका है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। तकरीबन 12 प्रस्ताव रखे गए थे। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, पहला राज्य ऐसा बन चुका है 33% आरक्षण सहकारी समिति में जो देगा, कैबिनेट में फैसला हुआ कल। आसिलपा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी समितियों में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का जो फैसला किया गया है, भाजपा का कहना है कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी और भाजपा सरकार के इस निर्णय पर खुशी जता रही है। सबसे गौरतलब बात यही है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से लेकर के पर्वतीय क्षेत्रों तक तमाम सहकारी समितियाँ हैं जिसमें तरह तरह के काम किए जाते हैं, और ख़ास तौर से चाहे वो दुग्ध समितियां हैं या सहकारी बैंकों की समितियां हैं, तो उस नज़रिए से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और इन समितियों में वो काम करेंगी। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता सब खुशी जता रहे हैं, आभार भी जता रहे हैं। और दूसरी तरफ बात यही है कि किस तरह से महिलाओं को रोजगार की दिशा में जोड़ा जा सके, सरकार ने उसको लेकर के ये फैसला किया है। तो एक तरफ महिलाओं को जहां आरक्षण मिलेगा, दूसरी तरफ रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो ओवरऑल यही वजह है कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया जा रहा है और खुशी जाहिर की जा रही है। शुक्रिया आपका रामानुज जानकारी देने के लिए।